हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में जनता कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान विज ने दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की और अपना पर्सनल मिशन भी बताया। देखिए, मेरा बेटा छीन लिया उन लोगों ने और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी जिंदगी का मिशन है कि मैं किसी रोते हुए की आंखों के आंसू पोंछ सकूं, मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं, मैं किसी के दिल का दर्द दूर कर सकूं। नए नए उन अधिकारियों की मंशाएं कभी कामयाब नहीं होंगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार एक बार फिर से सुर्खियों में रहा। गृह मंत्री के जनता कैंप में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंची। पूरी तरह से स्वस्थ न होने के बावजूद भी अनिल विज ने लोगों की बातों को सुना और कहा कि मैं लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हम लंबे समय से चला रहे हैं ये अभियान और चलाते रहेंगे, क्योंकि मैं मेरी जिंदगी का जो मिशन है, मेरी जिंदगी का मिशन है कि मैं किसी रोते हुए की आंखों के आंसू पोंछ सकूं, मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकूं, मैं किसी के दिल का दर्द दूर कर सकूं। उसके लिए ही मैं राजनीति कर रहा हूं और उसके लिए मैं करता रहूंगा। अनिल विज ने एक बार फिर से दिखाया कि वो राजनीति से ऊपर उठकर पर्सनल मिशन के लिए काम कर रहे हैं। विज ने दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की, कई अधिकारियों को चेतावनी दी और मैं अपने तमाम पुलिस फोर्स को बार बार कह रहा हूँ कि वो लोगों की समस्याओं का समाधान करना दूर करें। बकायदा रोजाना वो कैंप लगाएं। अगर वो कैंप लगाएं तो लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत है। अनिल विज के जनता दरबार में जितनी संख्या में पुरुष आते हैं उससे कहीं अधिक संख्या में महिलाएं अपनी बात रखने आती हैं। कुरुक्षेत्र से आई एक फरियादी ने अपने दिल का दर्द बयां किया। 2015 में उपेंद्र नाम के लड़के से हुई थी, जिसने मेरे को पहले तो झूठ बोला कि मैं बीटेक किया हूँ। उसके पास कोई बीटेक की कोई डिग्री नहीं थी, उसने सिर्फ 3 साल का एक डिप्लोमा किया हुआ, तो वो भी 10वीं पास करके, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मेरे को बोला गया कि ये किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता, मैं ये लड़का ड्रग्स लेता था मेरी, और यहाँ तक कि इसका अफेयर भी चल रहा है। मैं दिल्ली में किसी लड़की के साथ मारना पीटना इसकी आम बात हो गई थी, मेरे साथ मारपीट करना, मेरे मम्मी। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार दूसरे विधायकों और मंत्रियों से खास रहता है। सबसे बड़ा कारण है अनिल विज का ऑन स्पॉट एक्शन, अधिकारियों पर तल्ख तेवर। यही कारण है कि अनिल विज के जनता दरबार में फरियादी सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। कमलप्रीत सबरवाल, अंबाला, खबरें अभी तक।